नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि सिवान जिला से एमएलसी पद का उम्मीदवार विनोद जायसवाल जीत चुके हैं। आपको बताते चले कि बहुत खुशी का माहौल है आरजेडी पार्टी में। दूसरी बार विनोद जायसवाल चुनाव लड़ रहे थे और इस बार अटकलें लगाई जा रही थी कि विनोद जायसवाल भी हार जाएंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि विनोद जायसवाल इस बार जीत चुके हैं। यानी कि लोग इनको कह रहे हैं कि बाहरी हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा एक न्यूज़ निकल के आ रहा है और आरजेडी पार्टी में बहुत खुशी का माहौल हो गया है जिस तरह से विनोद जायसवाल जीते हुए हैं। और बिहारी चौधरी माननीय श्री मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और अभी वर्तमान में विधायक के रूप में सम्मिलित है सिवान सदर से। उन्होंने भी बहुत प्रयास किया इनको जिताने के लिए और आप देख सकते हैं कि ये लगातार जनसंपर्क किए थे अपने चुनावी माहौल में, अपने मतदान के वोट के लिए मांगते नजर आए थे, पूरे सिवान जिला में जनप्रतिनिधियों से अपील किए। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि एमएलसी में सबसे आगे आ रहे थे विनोद जायसवाल और वही इस बार जीत चुके हैं विनोद जायसवाल ने। अभी का ताज़ा खबर आ रहा है कि विनोद जायसवाल आगे निकल चुके हैं, जीत चुके हैं, बहुत खुशी का माहौल है सिवान जिला में। एमएलसी पद पे उम्मीदवार हो चुके हैं, यानी कि एमएलसी पद के हकदार हो चुके हैं विनोद जायसवाल। और आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में कि पुरानी तस्वीरें हैं मतदान का नॉमिनेशन का, आप देखते रहिए।